संपूर्ण खबर आसंता काली बालेश्वर तीर्तोल उपनिर्वाचन कोविड समय रे राज्य रे दुईटी आसन पई उपनिर्वाचन हेबो एथि पई प्रस्तुति सरिछि पोलिंग एजेंट को स्क्रीनिंग होईछि सुस्थ ऑफिसर ही ड्यूटी रे थिबाने आज सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ति राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोटिए बूथ रे हजार जण वोट देबे सेथिपाई बूथ संख्या वृद्धि पाइछि पूर्वरो बालेश्वर रे 198 टी बूथ थिबा बेले एबे 346 टी बूथ गठन होईछि सेपरि तीर्तोल रे दुई पूर्वरो 265 टी बूथ थिबा बेले एबे 373 को वृद्धि पाइछि सब बूथ को सानिटाइज करा जाइछि काली मध्ये बारंबार बूथ सानिटाइज करा जइबो ड्यूटी ऑफिसर को पीपी किट प्रदान करा जाइछि वोटर को ग्लोव्स दिया जइबो से माने डाहाण हाथ रे पिंथि मतदान करिवे एवं वोट परे यहा को डस्टबिन रे फिंगिबे संक्रमण न व्यापिबा पई सब प्रकार पदक्षेप निया जाइछि बूथ बढी पर वोटर को स्लिप दिया जाइछि केउ केन्द्र जाई मतदान करिवे ताहा सेथिरे दर्शा जाइछि वोट पई 3500 पोलिंग कर्मचारी को दायित्व दिया जाइछि बूथ बाहर जमी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके समस्त छिड़ा हो पारे तापाई जन वॉलंटियर मध्य नियोजित कराई दायित्व है से भल भाव क्यू जमी गढ़ के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोक छिड़ा हो पारे तार व्यवस्था कराई जदि स्कैनिंग कला बेले वोटर को स्कैनिंग कला बेले देखागला कि जन लोक टेम्परेचर बेसी कि अन्य सिम्टम अच्छी तेल गोटे टोकन दिज्व प्रख्यात ओडिया निर्देशक राजु मिश्रों परलोक 72 वर्ष बयस जटणी स्थित बासभवन में मृत्यु होती घर बसीता बेले हृदघात से टी पड़ते परलोक नहीं पत्नी प्रतिमा मंजरी मिश्र सूचना देते राजु मिश्र अनेक सुपरहिट ओडिया फिल्म निर्देशना देते सागर गंगा सुना गाँव रूपा कनिया और सतमिच्छ परी अनेक सुपरहिट फिल्म निर्देशना देते राजु मिश्र से जयदेव सम्मान सह अनेक पुरस्कार पाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राजु मिश्र मृत्यु में शोक व्यक्त कर रायगड़ा सदर महकुमा ओडिशार केरेडा और आंध्रप्रदेश कुनेरू मध्यवर्ती अंचल एक पांचटिकिया हाथीपल नजर को आसी नागावली नदीकूल हाथीपल बुलुवा बेले आज भोरु मुख्य रास्ता उपर हाथीपल चली आसी रायगड़ा ठारु विजयनगरम संजोग कर मुख्य रास्ता उपर गोटे दंता हाथी गोटे माई हाथी और तीनोटी छुआ हाथी विचरण कर सूचना रही हाथीपल आंध्रर विभिन्न चाष जमी को जा फसल नष्ट कर सूचना हस्तगत हो हाथीपल मुख्य रास्ता उपरको आसवा और जनबसतिर अति निकटवर्ती लोक मनरे भयर वातावरण खेली जाइए एभलिक रायगड़ा ठारु विजयनगरम जाने गाड़ी हाथीपल देखी अटकी जाते फल ग्रामवासी भयभीत हो पड़ते एणे आंध्रप्रदेश कोटू और सोलपदर गाँव में लोके हाथीपल को घोड़ाई बाण फुटाइवा जो हाथीगुड़िक बाटबणा हो ओडिशा मुहां हो सूचना रही रायगड़ा बनखुंडर गोटे आंध्र जगार अच्छी जोटा कि आम आंध्र ओडिशा बॉर्डर टू गोटे 5-6 किलोमीटर हम से हाथी पोल में 5टा हाथी अच्छे आम खबर अच्छे आम पाखे हाथी जोटा कि बर्तमान आंध्र आंध्र सीमांत ही अच्छा कि आम ओडिशा भितर जमी न आसबू आम स्टाफ मान को पूर्व गत 5 दिन है अलर्ट कर स्टाफ मान को आम पारा स्टाफ जो मैंने अच्छे से अलर्ट अच्छा आम जो सीमांत अंचल गाँव गुड़ाक भी आम आगुरु सजा करते हाथी न आसिले जिन भयभीत न हो आमको जिन सहयोग करेंगे बनवा से विषय भी आम से अवगत कर कटकरे खोलिब बाण दुकान पूर्व वर्ष भली बाण दुकान को मिलिब अनुमति तबे केउठी खोलिब बाण दुकान ताहा स्थिर करा जिवो काली पूजा ने समीक्षा बैठक पर सूचना देछंती डीसीपी सेपरि कोविड कटकणा मध्ये अनुष्ठित हेबो काली पूजा दायित्व रे रहिबे 15 प्लाटून पुलिस फोर्स और 50 अधिकारी काली पूजा पई हम तरफ रु सब प्लान कर दिया जाइछि और टोटल प्लान करा जाउछि कि ए वर्ष कोविड नियम को पालन करके जो इंस्ट्रक्शन एसआरसी आसी देखिकी आम 15 प्लेटून प्लस अराउंड 50 ऑफिसर्स मोबिलाइज करा जिवो और ताछड़ा आम डिस्ट्रिक्ट जिते भी ऑफिसर्स अच्छा से माने समस्ते ड्यूटी रे डिप्लॉय हेबे और आम तरफ रु सब पूजा कमिटीज को एसआरसी रा और गाइडलाइंस और कोर्ट रा इंस्ट्रक्शंस जो भी अच्छी पूजा केमती करिवार अच्छी ये सब कम्युनिकेट कर दिया जाए छी थाना लेवल रे समस्त को जनाया जाऊ छी के को को काम से मान को ध्यान रखी कि कोविड नियम को ध्यान रखी कि केमती पूजा ए वर्ष करा जी
राज्य में 24 घंटा 1399 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 798 स्थानीय संक्रमण 591 चिन्हट होती खोर्धार सर्वाधिक 142 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले अनुगुल 69 बालेश्वर 69 बरगढ़ 71 भद्रक 52 बलांगीर 70 पॉजिटिव चिन्हट होती सेपटे 24 घंटा पुणी 9 जनों जीवन नहीं महामारी एथसह राज्य में मोट मृत्यु संख्या 1340 को वृद्धि पाई राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल कोरोना पॉजिटिव राज्यपाल और तांको पत्नी उभय कोरोना आक्रांत होती एने सोमवार निजे राज्यपाल ट्वीट कर सूचना देखते संस्पर्श में आसीथिबा लोकों टेस्ट करायबा को से परामर्श देखते पॉजिटिव चिन्हट पर आशु आरोग्य उत्तम स्वास्थ्य कामना करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चिकित्सा अवहेला रोगी मृत रक्त देवारे अवहेला करिपारु चलीगला रोगी जीवन बारिपदा स्थित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल आसला एभले सांघातिक अभियोग बारिपदा सदर थाना अंतर्गत सपनचुआ गांव सुप्रिया पात्र गत 31 तारीख में पीआरएम मेडिकल भर्ती होते सुप्रिया रक्तहीनता रोग में पीड़ित थी पर लोक पूर्व अनेक थर एठार चिकित्सा कराई तेज आज अवस्था गुरुतर हो पड़ा सत्वे डाक्तर ट्रिटमेंट करनी मेडिकल परिसर में उत्तेजना देखाई उत्त्यक्त जनता आक्रोशर शिकार होती पीआरएम हस्पिटा सुपरिटेंडेंट उत्त्यक्त लोक माने डाक्तर महापात्र टणाउटरा कर देखा मिली सेपटे अनुकंपा राशि भाव रेडक्रॉस पक्ष 10,000 हरिश्चंद्र योजन 2,000 टंका 15 दिन मध्य तदंत पर सरकारी नियम अनुजाई दोषी को दंड दिज्वी प्रतिश्रुति हस्पिटाल सुपरिटेंडेंट यापर धारण में बसिता पर लोके आंदोलन प्रत्याहत खोर्धा जिला जंकिया थाना ओलसिंग गांव सुशांत बेहरा नामक जड़े युवक गत अक्टोबर 28 निखोज थिबा जंकिया थाना अभियोग करिसेंति सुशांत को बापा भीमसेन बेहरा आज पर्यंत सुशांत को कोनोसी पत्ता मिले नाही सेपटे गांव जड़े युवती सुशांत को प्रेम संपर्क थिला एवं 28 तारीख में से युवती को भेटिबा को जाइथिबा परिवार कहिसेंति तेबे युवती को परिवार लोके सुशांत को हत्या करथिबा पुलिस निकट अभियोग करिसेंति जंकिया पुलिस घटना को गुरुतर सह नै तनाघन आरंभ करिछि प्रेमिका घरे साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत कर मनीष रक्त किसी नमूना संग्रह जंकिया पुलिस अग्निशम बाहन सहायतार केतक खणी और कू तनखी कर जंकिया पुलिस सन्देह युवती भाई और बापा थाना अटक रखि पचराउचरा कर घटना से जाता कम को कम आसिक गैप हो जाए खोजी खोजी पाउन सन्देह हूँ हालू सूरत बराला घर को से झील सहित संपर्क था जाइए सन्देह होमर सन्देह हो पुह को सी मर्डर कर देम पुह बर्तमान पांच दिन है पाउन अजणा रोग से पीड़ित सुप्रभार चिकित्सापी साहर हाथ बढ़ाई भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी आज सुप्रभार चिकित्सापी तीन मस मेडिसिन पठाई सुप्रभार पर आनिमास तार चिकित्सा दिल्ली एम्स करेंगे बोली वीडियो कॉल माध्यम पर प्रतिश्रुति आखिर प्रतिश्रुति मिलवा पर लोकों मुहर हस फुटी ए संपर्क में अर्गस प्रथम खबर प्रसारण करा खबर देखापुर स्थानीय महिला चाषी छायाराणी साहू सुप्रभार चिकित्सा लगी भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी को ट्वीट माध्यम रे जणाइथिले आ खबर जानिबा परे सांसद सुप्रभार चिकित्सा पई प्रतिश्रुति एम्स रे चिकित्सा कराई पारा प्रतिश्रुति देथिले आ परे सुप्रभार समस्त कागजपत्र दिल्ली एम्स को सांसद पठाइथिले सेठाकार डाक्टर मेडिसिन खाइबा को परामर्श देथिले आ परे आज सांसद सुप्रभार परिवार निकट को 3 मास रो मेडिसिन पठाइछन्ति कटक जिला जगतपुर थाना अंतर्गत आदिश होटेल सम्मुख केन्द्रापड़ा केनाल रे पानी रे बुड़ी बालक निखोज निखोज हेले नानका गाँव स्वरूप जेना मनुआक जाता बेले केनाल रु पानी पीवा बेले गोड़खसी जाई से निखोज हो जाइछन्ते जगतपुर पुलिस अग्निशम बाहिनी घटनास्थल पहुंची तलाशी अभियान जारी रखिछन्ते सरकारों मलमल योजना हेले असहाय नीली सब अपहंच 74 वर्ष बयस भत्ताटे हो पारना सहायता बारंबार दौड़ी दौड़ी निराश हेले बयसर अपराह पहुंची बेले दुख कष्ट बीतुची जीवन नीलीर तीन पुओ थे कहीं पचारू ना तेणु एभली अवस्था भत्ता जोगाई देवाई से गुहारी कर
ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତାକାଲି 17 ଜିଲ୍ଲାର 94 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟିଂ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ମତଦାନ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ। ସେପଟେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ପୂରା ଦମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋଟ୍ ଦେବ ବିହାର। 17 ଜିଲ୍ଲାର 94 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟିଂ। ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 1463 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ବିହାରର ଜନତା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ 4ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ପାଟନାର ସବୁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ କରୁଛି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରଣରେ 10, ପାଟନାର 9, ନାଳନ୍ଦାର 7, ବେଗୁସରାଏର 7 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲେ ମାରାଥନ ସଭା। ଛପ୍ରା, ସମସ୍ତିପୁର, ମୋତିହାରୀ ଓ ବଘାରେରେ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପନିଂ। ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଆର୍ଜେଡିର ତେଜସ୍ୱୀ ୟାଦବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 19ଟି ରାଲି କରି ବାପା ଲାଲୁ ୟାଦବଙ୍କ ରେକର୍ଡ କାଟିଛନ୍ତି। 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 71 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଟିଭିର ଚିଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର ମନୋରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସାରୁଅରେ ଜମି କିଣାବିକା ମାମଲାରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଟିଭି ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ଲିତିଶା ମଙ୍ଗତ। Picking up the CFO of OTV is a sign of the state government's vendetta against OTV. Considering our platform has been persistent and fearless in reporting fact-based news, much to their displeasure. The previous manifestations of their rage were the 13 odd false cases filed against OTV over the past 2 months. Some of the cases were granted interim relief by the court. No surprise they felt the need to fabricate something new, and everybody in Odisha is widely aware of the attacks on OTV. ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ କରୋନା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ଏନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ ସେବାୟତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ଥାନା କଟକରେ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଲ୍ କାମ କରିବ। ଏହି ସେଲ୍ 200 ପୋଲିସଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଥାନା ଅଛି। ସବୁ ଥାନାରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ତଦନ୍ତ ହେବ। ସବୁ ଥାନାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଗତବର୍ଷ 1500 ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୃଗନୟନୀ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୋକାନ ଘରୁ ଦାମୀ ଉପକରଣ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ମତ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
शुणिलानी प्रशासन शेष गाँ रास्ता निर्माण कले ग्रामवासी केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक अंतर्गत नहुणी पंचायत गोपालपुर गाँव को नहीं रास्ता प्राय एक किलोमीटर जाए रास्ता खालखमार भर्ती फल अनेक समय दुर्घटना घटी था। रास्ता निर्माण पर ग्रामवासी प्रशासन निकट में बारंबार दावी करते शुणि ना प्रशासन शेष ग्रामवासी निजे रास्ता निर्माण कर आज आपण कोन करथले आज से किला माने गे होछन बोली कि बाली बाली पके कि चल जों जे गाड़ी एक्सीडेंट है जे गाड़ी ता सर खाल खाल डिपो प्रशासन जणै छन आपण हां जणै कोन हो जणैला पर जणै के आछले देखले बळेला किछि अपर दिन ना किछि बाली हो माटी हो किछि हमें पत्थर किनी के हमें रास्ता मरम्मत करू केते दिन ले वाला समस्या रहै छै बहुत माने 5 वर्ष हेलानी रास्ता रे समस्या किंतु सबटु दुख कारण होछि जे जतबेले गोटे मेडिकल को जिबा खले हमें सिकावर व्यवहार करू छी प्रत्येक जतबेले कोन छै डिलीवरी केस है पार्टनर आइला डिलीवरी जो प्रेग्नेंट माने एमिति असुविधा होछि जे प्रसव बातर भी हेइ परु छी। सातकोशिया अभयारण्य पुणी हाथी मृत्यु अनुगुल जिला सातकोशिया अभयारण्य टिकरपड़ा रेंज अंतर्गत कटरंग एक असुस्थ माई हाथी मृत्यु होती खबर पाई घटनास्थल में उभय वन और प्राणीधन विभाग अधिकारी पहुंची हाथीटर गोड़ में गंभीर क्षत होता यापर हाथीटी अधिक संक्रमित हो पड़ तार मृत्यु होता। वर्षा पर चाषी को हाथी चिंता झाड़बुहा परिश्रम पर दिनराती फसल जगि रही चाषी हेले केते बले दंता कचाड़ी मारुछि तो केते बले फसल नष्ट करुछि। वर्षा पर चाषी को हाथी चिंता झाड़बुहा परिश्रम पर दिनराती फसल जगि रही चाषी हेले केते बले दंता कचाड़ी मारुछि तो केते बले फसल नष्ट करुछि। संबलपुर जिला बड़बहाल रेंज बड़क सिबाहल गाँव में 20-25 टिकिया हाथी पलों उत्पाद गाँव में पशि दली चकटे एकर एकर फसल नष्ट करिछंती हाथी प्रतिदिन एठारे चाष जमी मान हाथी धान खाइबा को आसी ढोल तीण पिटी बाण फुटाई हाथी घोड़ाई था गाँ लोके तबे शनिवार विलंबित राति रे बड़कसी बाहल रे धान खाइबा को पशि आसी हाथी पल सेमानक मधुर एक छोट माई हाथी परित्यक्त कुरे पड़ी जाइला वन विभाग दमकल बाहिनी पुलिस घटनास्थल में पहुंचे दुईटी जेसीबी मशीन लगाई हाथी को उद्धार करते हाथी छाड़े पड़ा गाड़ भर सब जगह हाथी आसिक सब दलिए तथा नष्ट कर सारा पर आसे हाँ आम चाष जमी सब पड़ेगा से उधार कले प्राय तीन घंटा विलम्बरे फॉरेस्ट वाला एठार पहुँची पहुँचवा फल हमें हाथी को प्रथम घड़ा पर कूर पड़ता हाथी को उधार करूँ से कहले जी नष्ट आम एक पिछा 15,000 देव कि तुम्हें गाँव बाला एठू पुलिस सहायता लगे आमको से घोड़े देते ग्रामवासी को तापर हाथी मैंने आसी बापुन प्रधान प्राय 2.5 एकर जमी अन्यान्य 15-20 चाषी प्राय 25 एकर खंडे जमी को प्राय नष्ट करदे जोद्वारा ये फॉरेस्ट वाला अवहेला जो ये सब घटी जदि से प्रथम हाथी को होड़ी था पर उधार करते भाया नष्ट न था बारंबार हाथी पल एभली व्यापक क्षयक्षति घटाउछन्ते हेले वन विभाग पक्षर सठिक पदक्षेप निया ग्रामवासी अभियोग करिछन्ते एपरिकी क्षतिपूरण भी मिलूना तबे हाथी द्वारा नष्ट होता चाष जमीर क्षयक्षतिर परिमाण ठीक भाव मूल्यांकन कर वन विभाग उचित पारिश्रमिक स्थायी प्रतिकार कराकले ग्रामवासी सबुदिन हाथी समस्या मुक्ति पाइपारे प्राय 25 पट हाथी का संध्या 7 बेलू पहुँची थे बहुत फसल नष्ट कले फॉरेस्ट वाला को फोन कली फॉरेस्ट वाला 3 घंटा पर आसले जमी तो आम गाँव रचिश एकड़ मिनिमम नष्ट कर हाँ वन विभाग को प्रतिदिन कहा प्रतिकार ठीक से करना स्टाफ मैंने करते कौन डैमेज जहाँ डैमेज तो बर्तमान गवर्नमेंट नियम अनुसार 7 दिन भर दौ डैमेज पैसा रिपोर्ट गवर्नमेंट को हाँ सरकार भी चिंता लाइन प्रतिकार संबलपुर जिले में दिन कु दिन बढ़ुवा हाथी उपद्रव को रोकने वन विभाग पक्ष सठिक पदक्षेप ने जरूरी नन जीवन उभय दाउरी लगुच्छे संबलपुर जिला रेढ़ाकल राजा पाल रिपोर्ट।
जंगल सुरक्षा जीवन रक्षार नारा देउछन्ते राज्य सरकार हेले एथिरे व्यतिक्रम घटुथिबा अनेक स्थान रे देखा देउछे। अनुगुल जिला पल्लहडा रे प्लांटेशन प्रक्रिया चलीथिबा बेले अनेक बड़ बड़ गछ कटा जाइथिबा देखबा को मिलिछ। अनुगुल जिला पल्लहडा ब्लॉक रो 60 रु ऊर्ध गाँव में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट पक्षर प्लांटेशन करा विभिन्न सरकारी और बेसरकारी जमीन में टर्स चाषपाई असन और अर्जुन गछ लगा हेले गोटिए पटे प्लांटेशन चलता बेले अन्य पटे विभिन्न गच्छ मध्य कटा जाउथबा अभिजोग होछि। एमितिकि बड़ बड़ पियाशाळ साळ गच्छ कटा जाइथिबा देखिबा को मिलछि। सरकार लक्ष लक्ष टंका इन्वेस्ट करछन्दि निश्चित भाव रे साळ गच्छ काटिबा एक दुखदायक घटना। जदिओ सेरिकल्चर डिपार्टमेंट दि असन से माने टसर चाष बाबद गच्छ सब असन गच्छ लगाउछन्दि किंतु मूल्यवान साळ गच्छ काटिकि असन गच्छ लगेबाटा এটা কোনসি আইন পক্ষে সম্ভব নহ। তারপরে যদি সে লগাউন নিশ্চিত ভাবে এতে বন বিভাগ কু নিশ্চিত ভাবে এতে অবগত হওয়া দরকার। যদিও সে জাঁচি কি জাঁচান এটা আমি জাঁনু নিশ্চিত বন বিভাগ এপাই দায়ী। সেরিকলচর ডিপার্টমেন্ট এটি কাম করুছি বর্তমান সহ মু গাঁর সরপঞ্চ কিন্তু আমাদের সেমতি কিছু তথ্য না কিংবা মতো কে জনাই না যে আমি এইটি গছ লগাইবু হয়তো তো ব্লকু সে রেকর্ড খুলি থাইপার পঞ্চায়েত তো এটা খোলা হয়নি সেমানে জানিথিবে তারপরে মধ্য আমকু কিছুটা জনাইবা কথা আবু ন জনাইলে নাই ইয়ার রেকর্ড কুড় খোলা হয়েছে ব্লকর খুলিথিবে বোধে সেমানে জঙ্গল সৃষ্টি করন্তু বহুত বড় ভালো কথা কিন্তু শাল গছ কাটিলে আজ্ঞা সেটা দুঃখর কথা। বৃক্ষরোপণকু সরকার গুরুত্ব দেউথিবা কথা কহুথিবা বেলে এ দৃশ্য কিছু ভিন্ন কথা বয়ান করুছি। তেবে এ নেই আমি বন বিভাগ অধিকারীঙ্ক প্রতিক্রিয়া নেইথিলু। সরকারি জঙ্গলরু কোনসি গছ কটা যাই নথিবা কই সে নিজ মুন্ডরু দোষ খোচাই দেইছিলে। সেপটে বিভাগীয় অধিকারীঙ্ক সহ যোগাযোগ করিবা পাই চেষ্টা করিছিলু হেলে কার্যালয়রে তালা পড়িথিবা দেখিবা কো মিলিছিলা। মো পাঠু তো সেবি খবর আসিনি সাড়ে গছ কাটি সমান প্লান্টেশন করুন বলি আপন মাধ্যম রাজি জানলি যে সমান সাড়ে গছ কাটি কি অর্জুন গছ কোন লগাইছেন সেই গছ ডিপার্টমেন্ট তদন্ত করিবে তদন্ত করার দুটা ইনস্ট্যান্ট যে আগত দোষী নাই সেমতি বড় গছ আমার কটা বি হয়নি তারপরে আমার যাহা অদরকারি গছ গুড়া কটা হচ্ছি বড় যে গছ অছি আমি সে কাটুনু কি খালি গুচা যাহার অছি সেটাকে আমি সফা করে দেছি উপর অর্ডর অছি যে মানে ছোট গছ মানে যে ছোট গছ সেটা কাটিব বড় গছ কাটিবনি নিয়ম অনুযায়ী জঙ্গল কেবল গুচ্ছা ও অদরকারী গছ কাটিবা পরিবর্তে মূল্যবান গছগুলি কটা যাচ্ছে। গোটিয়ে পটে সরকার জঙ্গল সুরক্ষা জীবন রক্ষা নারা দেউথিবা বেলে এই ঘটনা নেই সাধারণরে অসন্তোষ প্রকাশ পাইছে। অনুগুল পাল্লহড়ারু হরিশ্চন্দ্র দাসঙ্ক রিপোর্ট অর্গস নিউজ। সমস্ত বুলেটিন কো এটা রাখুছু, নমস্কার।